engagement is the only way forward. The international community must approach the new reality in Afghanistan. Core collective interest has to be to help stabilize the security situation, prevent any renewed conflict, and prevent mass exodus. अफगानिस्तान को इस मरहले पर तनहा छोड़ा गया तो मुख्तलिफ बहरान जन्म लेंगे। सियासी और इलाकाई वाबस्तगी से बारातर होकर हमें अफगान अवाम की खुशहाली के लिए सोचना होगा। हमें ब्लॉक सियासत की तरफ किसी भी बहाव की मजाहमत करनी चाहिए। तसादुम के बजाय पुरामन, बकाए बाहमी और तावुन आलमी सियासत का बुनियादी मुहरक होना चाहिए। वज़ीर आज़म इमरान खान का दुशंबे में अफगानिस्तान से मुतालिक इजलास से खिताब। दुशंबे में शंघाई तआवुन तंजीम सरबरा इजलास। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का तमाम तस्फिया तलब मसाइल सलामती काउंसिल की करारदादों के मुताबिक हल करने पर जोर। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग मकबूजा इलाकों में रियासती दहशतगर्दी के खात्मे तक नहीं जीती जा सकती। हमारा मुआशी तरक्की के विजन का महवर अमन, शराकत दारी और रवाबित का फरोग है। वज़ीर-ए-आज़म आलमी रहनुमाओं का अफगानिस्तान की सूरत हाल पर इजहार तशवीश। खत्ते में अमन और तरक्की के लिए मुश्तरका कोशिशों के अज़्म का इआदा। पाकिस्तान और ताजिकिस्तान की क़यादत का दो तरफा ताल्लुकात को मज़ीद मुस्तहकम करने पर इत्तेफाक। वज़ीर आज़म इमरान खान और ताजिक सदर इमाम अली रहमान के दरमियान मुज़ाकरात। दोनों मुल्कों के दरमियान दोहरे टैक्सों से बचाव, इंसदाद मनी लॉन्ड्रिंग, सरमायाकारी, खेल और दूसरे शोबों में तआवुन के मुआहदे, अफगानिस्तान की सूरत हाल पर भी गुफ्तगू, पनशेर मसले के लिए हल के लिए किरदार अदा करने पर भी गुफ्तगू, मामले को पुरामन तरीके से हल करने पर जोर। अमन व अमान बेहतरीन है, यहाँ कोई सिक्योरिटी का मसला नहीं है, कोई सिक्योरिटी थ्रेट नहीं है। शायकीन क्रिकेट को मायूसी। न्यूजीलैंड क्रिकेट बोर्ड का एक तरफा फैसला, पाकिस्तान के साथ क्रिकेट सीरीज मुलतवी। सिक्योरिटी के कोई मसाइल नहीं, न्यूजीलैंड टीम के सिक्योरिटी इंचार्ज के पास कोई जवाब नहीं था। दौरा साजिश के जरिए मुलतवी किया गया। वजीर दाखिला शेख रशीद अहमद। न्यूजीलैंड ने सिक्योरिटी अलर्ट हमारे साथ शेयर नहीं किया, उन्हें आईसीसी में हमारा सामना करना होगा। चेयरमैन पीसीबी रमीज राजा, साबिक वेस्ट इंडियन कप्तान डेरिन समी की जानिब से भी मायूसी का इजहार। 6 साल पाकिस्तान में खेलना मेरा बेहतरीन तजुर्बा है, पाकिस्तान में खुद को हमेशा महफूज तसव्वुर किया। वज़ीर आज़म इमरान खान से चीन के वज़ीर ख़ारिजा वांग यी की दुशंबे में मुलाकात। दो तरफा ताल्लुकात, सी पैक और इलाकाई सूरत हाल पर तबादला ख्याल। मुश्तरका मफाद के तमाम उमूर पर आला सतह राबते जारी रखने पर इत्तेफाक। पाकिस्तान और चीन आयरन ब्रदर्स और स्ट्रेटजिक शराकत दार हैं। इक्तिसादी राहदारी इलाकाई तरक्की का अहम मनसूबा है। वज़ीर आज़म स्मगल शुदा तेल के बायस मुल्क की मईशत को सालाना 60 अरब रुपए का नुकसान हो रहा है। गिलगित, स्कर्दू और स्वात में तेल जखीरा करने की सहूलतें कायम की जाएंगी। सदर डॉक्टर आरिफ अलवी को ब्रीफिंग। मौजूदा हुकूमत बलोचिस्तान की तरक्की और अवामी मसाइल के हल के लिए कोशां है। दूर दराज इलाकों में ईंधन की जरूरियात पूरी करने के लिए इकदाम किए जाए। सदर मुमलिकत। अफगानिस्तान में इंसानी बहरान के बढ़ते खतरात, नई हुकूमत को मुआशी मसाइल का सामना। बरवक्त फंड्स जारी न होने से बैंक बंद होने का खदशा। तालिबान हुकूमत का अमरीका और दूसरे ममालिक से मुंजमद असासे बहाल करने का मुतालबा। लोग बुनियादी जरूरियात जिंदगी के लिए अशिया फरोख करने पर मजबूर। सूरत हाल बहुत मुश्किल है। अफगान अवाम को कोरोना से ज्यादा बुनियादी जरूरियात पूरी करने की फिक्र है। सरबरा UNHCR फ्लिपोग्रेंटी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस।
मकबूजा कश्मीर में इंसानी हुकूक की संगीन खिलाफ वर्जियों का सिलसिला। काबिज इंतजामिया का नया हुक्मनामा, जदोजहद आजादी से बिलवास्ता या बिलावास्ता ताल्लुक पर सरकारी मुलाजमत से फारिग कर दिया जाएगा। बुजुर्ग हुर्रियत रहनुमा सैयद अली गिलानी की कब्र पर फातिहा खानी पर पाबंदी बरकरार। वज़ीर-ए-आला बलोचिस्तान के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद 21 सितंबर को सूबाई असेंबली में पेश होगी। जाम कमाल खान की अपने मुस्ताफी होने की खबरों की तरतीब, हुकूमती और अपोजिशन अरकान की जानिब से तहरीक अदम एतमाद की कामयाबी के दावे। काबीना कमेटी बराए तवानाई का इजलास, मौसम सरमा में बिजली के घरेलू और तजारती सारफीन के लिए खसूसी पैकेज की मंजूरी। इतलाक 1 नवंबर से 28 फरवरी तक होगा। सर्दियों में घरेलू सारफीन के लिए गैस टैरिफ स्लैब की नजरसानी पर भी गौर। खैबर पख्तूनख्वा में इंसदाद पोलियो मुहिम शुरू, मुल्क के दूसरे हिस्सों में 20 सितम्बर से मुहिम का आगाज होगा। 4 करोड़ से जायद बच्चों को खतरे पिलाने का हदफ, 7 माह में पोलियो का कोई केस रिपोर्ट नहीं हुआ। इंसदाद पोलियो मुहिम की कामयाबी में सबको अपना किरदार अदा करना होगा। मुआविन खुसूसी सेहत डॉक्टर फैसल सुल्तान। और कतर में 6 रेड स्नोकर वर्ल्ड कप, पाकिस्तान के बाबर मसीह का शानदार आगाज। भारत के ऐशप्रीत सिंह को 5 फ्रेम से शिकस्त, भारतीय खिलाड़ी कोई फ्रेम ना जीत सका। हुकूमत की कोशिशें रंग ले आई, बरतानिया ने पाकिस्तान का नाम सफरी रेड लिस्ट से निकाल दिया है। पाकिस्तान और तुर्की समेत 8 मुल्कों का नाम रेड लिस्ट से निकाला गया है। इतलाक 22 सितंबर सुबह 4 बजे से होगा। पाकिस्तान में बरतानवी हाई कमिश्नर ने भी अपने ट्वीट के जरिए फैसले की तस्दीक कर दी है। अहम खबर से आपको आगाह कर रहे हैं, पाकिस्तान का नाम बरतानवी सफरी रेड लिस्ट से निकालने का फैसला सामने आ गया है और इस फैसले को खुशाइंद करार दिया जा रहा है। पाकिस्तान में बरतानवी हाई कमिश्नर ने भी अपने ट्वीट के जरिए इस फैसले की तस्दीक कर दी है। हुकूमत की कोशिशें बिलाखिर रंग ले आई हैं, बरतानिया ने पाकिस्तान का नाम सफरी रेड लिस्ट से निकाल दिया है। पाकिस्तान और तुर्की समेत 8 मुल्कों का नाम रेड लिस्ट से निकाला गया है। इतलाक 22 नवंबर से होगा। पाकिस्तान में बरतानिया हाई कमिश्नर ने भी अपने ट्वीट के जरिए फैसले की तस्दीक कर दी है। बरतानिया ने पाकिस्तान का नाम सफरी रेड लिस्ट से निकाल दिया है। पाकिस्तान की काविशें बिलाखिर रंग ले आई हैं। वजीर इत्तला चौधरी फवाद हुसैन ने ट्वीट भी किया है, पाकिस्तान में बरतानवी हाई कमिश्नर ने भी अपने ट्वीट के जरिए इस फैसले की तस्दीक कर दी है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़ खबरनामे के साथ, मैं हूं नासिया कमल। मैं हूं सलमा कौसर। स्पोर्ट्स न्यूज़ के लिए मैं आपके साथ हूं मोहम्मद अनीस। नाज़रीन हेडलाइंस आप जान चुके हैं, खबरों की तफसील शामिल करेंगे एक ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिए। एहसास कफालत प्रोग्राम से मुस्तफीद होने वाले खानदानों के लिए तालीमी वज़ाइफ का इजरा, नर्सरी तक 12वीं जमात, लड़कियों का वजीफा लड़कों से ज्यादा, लड़कियों के लिए प्राइमरी तालीम मुकम्मल करने पर 3,000 रुपए बोनस भी, रजिस्ट्रेशन के लिए बच्चों के हमरा उनका नादरा बे फॉर्म, तालीमी इदारे में दाखिले के तस्दीक शुदा फॉर्म समेत नजदीकी दफ्तर तशरीफ लाएं। तालीमी वज़ाइफ के लिए अपनी अहलियत जानने के लिए हमारा वेब पोर्टल विजिट करें। एहसास हुकूमत पाकिस्तान। खैबर पख्तूनख्वा की कुल आबादी इस वक्त 4 करोड़ से जायद है, जिसमे हर साल 10 लाख अफराद का इजाफा हो जाता है। मौजूदा रफ्तार से आबादी बढ़ती रही तो सूबे की आबादी आइंदा 25 साल में 2 गुना हो जाएगी। वसाइल और आबादी में तवाजुन के लिए बच्चों की पैदाइश में 3 साल का वक्फा रखें। तवाजुन बरकरार, जिंदगी बावकार। महकमा बहबूद आबादी, हुकूमत खैबर पख्तूनख्वा।
ब्रेक के बाद खबरनामे में खुश आमदीद। सबसे पहले आपको बताएं, वजीर आजम इमरान खान ने कहा है कि अफगानिस्तान को इस मरहले पर अगर तनहा छोड़ा गया तो बहुत सारे मसाइल और बहरान जन्म लेंगे। दुशंबे में अफगानिस्तान से मुतालिक खसूसी इजलास से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि हमें ब्लॉक की सियासत की तरफ से भी बहाव की मजाहमत करनी चाहिए। सियासी और इलाकाई वाबस्तगी से बालातर होकर हमें अफगान अवाम की खुशहाली के लिए सोचना होगा। तफसील जानते हैं हारून इलाही तूर से। ताजिकिस्तान के दारुल हुकूमत दुशंबे में अफगानिस्तान के मौजू पर कोलेक्टिव सिक्योरिटी ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन इजलास से खिताब करते हुए वजीर आजम इमरान खान ने कहा कि अफगानिस्तान के अवाम 40 साल से अमन की तलाश में हैं, जंग के खात्मे और पायदार अमन का इम्कान किसी सूरत जाए नहीं होना चाहिए। अफगानिस्तान टुडे इज एट अ हिस्टोरिक क्रॉसरोड। आफ्टर 40 इयर्स ऑफ कॉन्फ्लिक्ट एंड इंस्टेबिलिटी there is a distinct possibility of finally ending the war and establishing sustainable peace. Engagement therefore is the only way forward. The international community must approach the new reality in Afghanistan. Core collective interest has to be to help stabilize the security situation, prevent any renewed conflict and prevent mass exodus. Allowing Afghanistan's frozen assets to be used for the welfare of the Afghan people will also be a step in the right direction. अफगानिस्तान में अमन के लिए पाकिस्तान के ठोस अज़्म का यादा करते हुए वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा कि बदलती सूरत हाल के पेश नज़र हमने अपनी सरहदें खुली रखी और मुश्किल की घड़ी में अफगान भाइयों को हर मुमकिन मदद फराहम की। The transition of Afghanistan from a country dependent upon foreign aid, a war economy, transition from that to a sustainable economy is going to be another huge challenge. It is equally in our interest to ensure that Afghanistan does not again become a safe haven for terrorist entity. An inclusive political structure is vital for peace and national reconciliation. We steadfastly supported the Afghan peace process and always maintained that there was never a military solution. Pakistan remains fully committed to a stable, sovereign and prosperous Afghanistan at peace with itself and its neighbors. وزیر اعظم عمران خان نے شنگھائی تعاون تنظیم کے سربراہ اجلاس میں شریک رہنماؤں اور وفود پر زور دیا کہ وہ خطے کو دہشت گردی سے پاک اور سرحدوں کو محفوظ بنانے کے لیے امن کی کوششوں کا ساتھ دیں اور افغانستان کے عوام کی ہر ممکن مدد کریں۔ ہارون الہی تور، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز۔ دہشت گردی کے خلاف جنگ مقبوضہ علاقوں میں ریاستی دہشت گردی کے خاتمے تک نہیں جیتی جا سکتی۔ ضروری ہے کہ سلامتی کونسل کی قراردادوں کے مطابق تمام تصفیہ طلب مسائل کو حل کیا جائے۔ یہ بات وزیر اعظم عمران خان نے دوشنبے میں شنگھائی تعاون تنظیم سربراہ اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے کہی۔ انہوں نے کہا کہ ہمارا معاشی ترقی کے ویژن کا محور امن، شراکت داری اور روابط کا فروغ ہے۔ ایسے ممالک کے درمیان زمینی، بحری اور فضائی رابطوں سے تجارت، توانائی سمیت مختلف شعبوں میں ترقی کا نیا دور شروع ہوگا۔ تفصیل بتا رہے ہیں اسد یار خان۔ تاجکستان کے دارالحکومت دوشنبے میں شنگھائی تعاون تنظیم کے سربراہ کونسل کے 20ویں اجلاس میں شرکت کے لیے وزیر اعظم عمران خان کانفرنس ہال پہنچے تو تاجکستان کے صدر امام علی رحمان نے ان کا پرتپاک استقبال کیا۔ اپنے خطاب میں وزیر اعظم عمران خان نے دنیا کو درپیش دہشت گردی، کورونا اور موسمیاتی تبدیلی جیسے چیلنجز اور افغانستان کی صورتحال پر اپنا نقطہ نظر پیش کیا۔ وزیر اعظم نے کہا کہ دہشت گردی کو مذہب کے ساتھ جوڑنے سے معاشرے میں تفریق بڑھی ہے، ایسے ہی نظریات نام نہاد جمہوریتوں میں بھی فروغ پا رہے ہیں۔ امن اور تعاون کے ماحول کے لیے ضروری ہے کہ سلامتی کونسل کی قراردادوں کے مطابق تمام تصفیہ طلب مسائل کا پرامن حل کیا جائے۔ We believe faithfully implementing UN Security Council resolutions for peaceful settlement of outstanding disputes is a necessary condition for peace and indispensable for creating an environment of cooperation. Unilateral and illegal measures to change the status of disputed territories and violation of Security Council resolutions run counter to this objective. Such measures must be condemned and opposed firmly for being in violation of the SCO Charter and its well-established principles of interstate relations. وزیر اعظم عمران خان نے کہا کہ افغانستان میں 40 سال کی جنگ کے خاتمے کے بعد ہمیں امن کا ایک اور موقع حاصل ہوا ہے۔ افغانستان میں ایسی جامع حکومت تشکیل پانی چاہیے جس میں تمام لسانی گروپوں کی نمائندگی ہو۔ سسٹینیبل پیس اینڈ سٹیبلٹی ان افغانستان ول آلسو ہیلپ اس ریئلائز ا ویژن اف این انٹر کنیکٹڈ پراسپرس اینڈ اکنامیکلی وائبرنٹ ریجن۔ ان پاکستان وی ہیو شفٹڈ اپ فوکس فرام جیو پولیٹکس ٹو جیو اکنامکس۔
Our new economic security paradigm has three central pillars: peace, development partnerships, and connectivity. Pakistan's geostrategic location as a natural bridge connecting Central Asia with South Asia finds its manifestation through the platform of SCO. وزیر اعظم نے کہا کہ کرونا وبا سے پوری دنیا کی معیشت متاثر ہوئی ہے، 40 لاکھ سے زیادہ افراد اپنی جان گنوا چکے ہیں۔ ہم نے ملک میں کرونا سے نمٹنے کے لیے مؤثر حکمت عملی اپنائی اور احساس پروگرام کے ذریعے لاکھوں خاندانوں کو مالی مدد فراہم کی۔ انہوں نے کہا کہ عوامی مفاد کے لیے کرونا کی ویکسین برابری کی بنیاد پر ہر جگہ مہیا کی جائے۔ ماحولیاتی تبدیلی کو دنیا کے لیے بڑا خطرہ قرار دیتے ہوئے وزیر اعظم نے کہا کہ ہم نے اس مسئلے پر قابو پانے کے لیے 10 بلین ٹری سونامی جیسے منصوبوں کا آغاز کیا ہے۔ وزیر اعظم عمران خان نے اس موقع پر شنگھائی تعاون تنظیم کے 20ویں سربراہ مملکت کونسل کے اجلاس کے باضابطہ دستاویز پر دستخط کیے۔ اسد یار خان، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز۔ شنگھائی تعاون تنظیم کے سربراہ اجلاس میں شریک رہنماؤں نے خطے میں امن و ترقی کے لیے مشترکہ کوششوں کے عزم کا اظہار کیا ہے۔ دوشنبے میں سربراہ اجلاس سے چین کے صدر شی جن پنگ، ایران کے صدر ابراہیم رئیسی، ازبکستان کے صدر شوکت مرزایوف، روس کے صدر ولادیمیر پیوٹن سمیت خطے کے ملکوں کے دیگر رہنماؤں نے خطاب کیا۔ چین کے صدر شی جن پنگ نے شنگھائی تعاون تنظیم کے سربراہ اجلاس سے ویڈیو لنک کے ذریعے خطاب کرتے ہوئے کہا ہے کہ افغانستان کی خود مختاری، آزادی اور جغرافیائی حدود کا احترام کیا جائے اور افغان عوام کو اپنے مستقبل کا فیصلہ خود کرنے دیا جائے۔ انہوں نے کہا کہ ہمیں افغانستان میں اقتدار اور اختیار کے سلسلے میں افغانستان اور اس کے پڑوسیوں کی مدد کرنی چاہیے۔ صدر شی جن پنگ نے کہا کہ دہشت گردی سے مؤثر طریقے سے نبردازما ہونے کے لیے مشترکہ حکمت عملی اپنانے کی ضرورت ہے۔ روس کے صدر ولادیمیر پیوٹن نے کہا ہے کہ ماسکو اور بیجنگ کی قیادت میں ایک سیکیورٹی بلاک کو یقینی بنانا چاہیے کہ طالبان دہشت گردی اور منشیات کی اسمگلنگ کی روک تھام کے لیے اپنے وعدوں کی پاسداری کریں۔ ایس سی او اجلاس سے ویڈیو لنک خطاب کرتے ہوئے صدر ولادیمیر پیوٹن نے کہا کہ نئی عبوری افغان قیادت کی حوصلہ افزائی کے لیے تنظیم کو اپنا فعال کردار ادا کرنا چاہیے تاکہ وہ زندگی کو معمول پر لانے اور افغانستان میں سیکیورٹی کے حوالے سے وعدے پورے کر سکیں۔ ایران کے صدر ابراہیم رئیسی نے اپنے خطاب میں رکن ملکوں پر واضح کیا کہ افغانستان میں امن و استحکام خطے کی ترقی اور خوشحالی کے لیے ناگزیر ہے۔ انہوں نے کہا کہ شنگھائی تعاون تنظیم عالمی کثیر الجہتی نظام کے لیے ایک اہم طاقت بن سکتی ہے۔ صدر ابراہیم رئیسی نے کہا کہ افغانستان کی حالیہ ابتر صورتحال کی ذمہ داری امریکہ اور اس کے اتحادیوں پر عائد ہوتی ہے۔ تاہم خطے کے ممالک کو افغان عوام کے لیے ایسے حالات پیدا کرنے ہوں گے جس سے وہ اپنے مسائل پر قابو پا سکیں اور ایک محفوظ مستقبل کے راستے کا تعین کر سکیں۔ ازبکستان کے صدر شوکت مرزایوف نے ایس سی او اجلاس کے موقع پر سیکیورٹی بلاک کے اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے دیگر ممالک پر زور دیا ہے کہ وہ کابل میں طالبان کی عبوری حکومت کے ساتھ بات چیت کے لیے غیر ملکی بینکوں میں رکھے گئے افغانستان کے اثاثے جاری کریں۔ انہوں نے سیکیورٹی بلاک اور طالبان کے درمیان مذاکرات کے ذریعے شدت پسندی کو روکنے کی کوششوں پر زور دیا اور کہا کہ افغانستان کے اثاثے جاری کرنے سے ان مقاصد کو حاصل کرنے میں مدد ملے گی۔ وزیراعظم عمران خان اور چین کے وزیر خارجہ وانگ جی کے درمیان دوشنبے میں ہونے والی ملاقات میں دو طرفہ تعلقات، سی پیک اور علاقائی صورتحال پر تبادلہ خیال ہوا۔ وزیراعظم نے چینی قیادت کے لیے نئی خواہشات کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ دونوں ملک آئرن بردرز اور اسٹریٹجک شراکت دار ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اقتصادی راہداری ایک اہم منصوبہ ہے اور دونوں ملک اس کی جلد تکمیل کے لیے کوشاں ہیں۔ وزیراعظم نے کہا کہ پرامن اور مستحکم افغانستان پاکستان اور خطے کے لیے اہم ہے۔ خطے کے ملکوں کے درمیان مربوط حکمت عملی کے حوالے سے پاکستان اور چین افغانستان کے 6 ہمسایہ ملکوں کے ساتھ قریبی رابطے میں رہے ہیں۔ عمران خان نے کہا کہ افغان معیشت کے استحکام اور کسی بھی انسانی بحران سے نمٹنے کے لیے مربوط اقدامات کرنے چاہیے۔ ملاقات مشترکہ مفادات کے تمام امور پر اعلیٰ سطح رابطے جاری رکھنے پر اتفاق ہوا۔ پاکستان اور تاجکستان نے افغانستان میں قیام امن، خاص طور پر پنجشیر تنازع میں کردار ادا کرنے پر اتفاق کیا ہے۔ یہ اتفاق رائے وزیراعظم عمران خان اور تاجک صدر امام علی رحمان کے درمیان ملاقات میں ہوا۔ دونوں ملکوں کے درمیان مختلف شعبوں میں دو طرفہ تعاون کے لیے مختلف معاہدوں پر بھی دستخط کیے گئے۔ تفصیل بتا رہے ہیں ریاض برقی اپنی اس رپورٹ میں۔
दुशंबे में दोनों मुल्कों के दरमियान दो तरफा मुजाकरात के बाद मुश्तरका न्यूज कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए वजीर आजम इमरान खान ने कहा कि पाकिस्तान ताजिकिस्तान के साथ अपने ताल्लुकात को खुसूसी अहमियत देता है। हम इलाकाई राबतों को फरोग देकर खित्ते में अमन व इस्तेहकाम और खुशहाली के मिशन को आगे बढ़ा रहे हैं। One of the conflicts which is worrying us, worrying you, I know, worrying us in Pakistan is the conflict in Panjshir between the Tajik and the Taliban. And we resolved today that we will try our best. You, Mr. President, will try your influence with the Tajik, and we will try our best with the Pashtun or the Taliban. We will try our best to make them resolve their differences through dialogue. And we will urge on them that it's important for the sake of Afghanistan that there is an inclusive government. Unless there is an inclusive government in a country which is diverse. So a sustainable peace in Afghanistan can only come if there is an inclusive government. ताजिकिस्तान के सदर इमाम अली रहमान ने कहा कि पाकिस्तान के साथ रेलवे समेत जमीनी राबतों के फरोग के ख्वाहिशमंद हैं। उन्होंने कहा कि अफगानिस्तान के हमसाया मुल्क होने के नाते पाकिस्तान और ताजिकिस्तान को खित्ते में अमन के लिए मुश्तरका कोशिशें करना होंगी। ताजिक सदर ने दुशंबे में वजीर आजम इमरान खान का खैर मकदम करते हुए कहा कि उनके दौरे से दोनों मुल्कों के ताल्लुकात मजीद मुस्तहकम होंगे। इससे पहले वजीर आजम इमरान खान ताजिकिस्तान के सदारती महल कसरे मिलत पहुंचे तो ताजिक सदर इमाम अली रहमान ने वजीर आजम इमरान खान का पुरतपाक खैर मकदम किया। वजीर आजम के एजाज में दुशंबे के कसरे मिलत में बाज़ाब्ता इस्तकबालियत तकरीब हुई जिसमें दोनों मुल्कों के कौमी तराने बजाए गए। वज़ीर आज़म इमरान खान के एजाज में गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। ताजिकिस्तान के सदर इमाम अली रहमान ने वज़ीर आज़म इमरान खान से अपनी काबीना अरकान का तारुफ कराया। वज़ीर आज़म ने भी ताजिक सदर से अपने वफ्द में शामिल अरकान का तारुफ कराया। ताजिक सदर ने वज़ीर आज़म इमरान खान को कसरे मिलत के मुख्तलिफ हिस्सों के बारे में आगाह किया। दुशंबे के कसरे मिलत में वज़ीर आज़म इमरान खान और ताजिकिस्तान के सदर इमाम अली रहमान के दरमियान मुलाकात हुई। पाकिस्तान और ताजिकिस्तान के दरमियान दो तरफा मुजाकरात भी हुए जिनमें पाकिस्तान के वफ्द की क़यादत वज़ीर आज़म इमरान खान और ताजिकिस्तान के वफ्द की क़यादत सदर इमाम अली रहमान ने की। दोनों मुल्कों के दरमियान बातचीत में दो तरफा तआवुन, तवानाई, अवामी राबतों, सिक्योरिटी और सरमायाकारी समेत मुख्तलिफ शोबों में ताल्लुकात के फरोग पर तबादले ख्याल किया गया। पाकिस्तान और ताजिकिस्तान के दरमियान दुशंबे में मुख्तलिफ शोबों में तआवुन के लिए समझौतों पर दस्तखत हुए। दो मुआहिदों पर वज़ीर आज़म इमरान खान और ताजिकिस्तान के सदर इमाम अली रहमान ने दस्तखत किए। वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी और उनके ताजिक हमनसब ने ताल्लुकात के फरोग के लिए मुफाहमत की यादाश्त पर दस्तखत किए। पाकिस्तान और ताजिकिस्तान के दरमियान दोहरे टैक्सों से बचाव के मुआहदे पर भी दस्तखत किए गए। वज़ीर आज़म इमरान खान और ताजिक सदर ने समझौतों की तकरीब में शिरकत की। दोनों मुल्कों के दरमियान सनअती तआवुन से मुतालिक मुफाहमत की यादाश्त पर मुशीर तिजारत अब्दुर्रज़्ज़ाक दाऊद ने दस्तखत किए। ताजिकिस्तान और पाकिस्तान के मरकजी बैंकों के दरमियान इंसदाद मनी लॉन्ड्रिंग से मुतालिक MOU पर दस्तखत हुए। दोनों मुल्कों के दरमियान सरमायाकारी व सियाहत के फरोग से मुतालिक MOU पर दस्तखत किए गए। पाकिस्तान और ताजिकिस्तान ने खेलों के शोबे को फरोग देने पर इत्तेफाक किया और इस सिलसिले में MOU पर दस्तखत किए। ताजिक खबर रसां एजेंसी और APP के दरमियान इत्तलात के शोबे में मुफाहमत की यादाश्त पर भी दस्तखत किए गए। रियाज बरकी, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान क्रिकेट सीरीज मुलतवी कर दी गई है। वजीर दाखिला शेख रशीद अहमद का कहना है कि पाकिस्तान में सिक्योरिटी के कोई मसाइल नहीं। न्यूजी क्रिकेट टीम का दौरा साजिश के जरिए मुलतवी किया गया है। रिपोर्ट कर रहे हैं जीशान कयूम। में अमन व अमान बेहतरीन है, यहाँ कोई सिक्योरिटी का मसला नहीं है, कोई सिक्योरिटी थ्रेट नहीं है। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान वनडे सीरीज के लिए तमाम तैयारियां मुकम्मल थीं कि अचानक न्यूजीलैंड ने सिक्योरिटी खदशात को जवाब बनाकर दौरा खत्म करने का ऐलान किया। दोनों टीमें होटल में ही मौजूद थीं और टॉस भी मुकर्रर वक्त तक ना हो सका, जिसके बाद PCB ने सीरीज मुलतवी होने का ऐलान किया। PCB के मुताबिक न्यूजीलैंड क्रिकेट बोर्ड ने आगाह किया कि उन्हें सिक्योरिटी के हवाले से अलर्ट किया गया, इसलिए यकतरफा तौर पर सीरीज मुलतवी करने का फैसला किया गया है। इस्लामाबाद में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस करते हुए वजीर दाखिला शेख रशीद अहमद ने कहा कि पाकिस्तानी सिक्योरिटी इदारों ने न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम को फुल प्रूफ सिक्योरिटी फराहम की, दौरा साजिश के जरिए मुलतवी किया गया है। न्यूजीलैंड की सिक्योरिटी के इंचार्ज हैं, उन्होंने हमारे सिक्योरिटी के लोगों से बातचीत की कि उन्हें सिक्योरिटी थ्रेट है। जब उनसे बातचीत की गई तो उनके पास कोई ऐसी बात नहीं थी, क्योंकि पाकिस्तान के तमाम अदारे, पाकिस्तान की अजीम फौज उनकी सिक्योरिटी पर मामूर थी।
इस बात पे भी राज़ी करने की कोशिश की कि बग़ैर तमाशाइयों के ये मैच खेला जाए। उन्होंने यकतरफा तौर पर अपना ये दौरा जो है मनसूख कर दिया। वज़ीर आज़म साहब ने न्यूज़ीलैंड की प्राइम मिनिस्टर से बात की और उन्हें कहा कि हमारे मुल्क में अमन व अमान बेहतरीन है और हम गारंटी देते हैं कि यहाँ कोई सिक्योरिटी का मसला नहीं है, कोई सिक्योरिटी थ्रेट नहीं है। वफाकी वज़ीर इत्तला'आत चौधरी फवाद हुसैन ने अपने ट्वीट में कहा कि वज़ीर आज़म इमरान ख़ान ने न्यूज़ीलैंड की वज़ीर आज़म से राबता किया और यकीन दिलाया कि न्यूज़ीलैंड की टीम को पाकिस्तान में फुल प्रूफ सिक्योरिटी मुयस्सर है। चौधरी फवाद हुसैन ने कहा कि वज़ीर आज़म इमरान ख़ान ने न्यूज़ीलैंड की वज़ीर आज़म को यकीन दिलाया कि हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज दुनिया की बेहतरीन इंटेलिजेंस सिस्टम्स में शामिल हैं और उनकी राय में न्यूज़ीलैंड की टीम को किसी किस्म का ख़तरा नहीं है। वज़ीर इत्तला'आत ने अपने ट्वीट में कहा कि न्यूज़ीलैंड की सिक्योरिटी ने पाकिस्तान के सिक्योरिटी इंतजाम पर इत्मीनान का इजहार भी किया, ताहम न्यूज़ीलैंड की वज़ीर आज़म ने अजहद एतिहाद की पॉलिसी के पेश नज़र दौरा मुलतवी करने की इस्तदा की। चीफ एग्जीक्यूटिव न्यूज़ीलैंड क्रिकेट बोर्ड डेविड वाइट ने सीरीज़ मुलतवी होने पर कहा कि हमारे लिए खिलाड़ियों की सिक्योरिटी अव्वलीन तरजीह है। उन्होंने कहा कि हमें अंदाज़ा है कि पीसीबी के लिए ये बहुत बड़ा धचका है, मौजूदा हालात में हमारे पास यही ऑप्शन था। चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड रमीज़ राजा ने अपने ट्वीट में कहा कि न्यूज़ीलैंड के फैसले से मायूसी हुई, न्यूज़ीलैंड ने सिक्योरिटी अलर्ट हमारे साथ शेयर नहीं किया। न्यूज़ीलैंड वाले किस दुनिया में रह रहे हैं, उन्हें आईसीसी में हमारा सामना करना पड़ेगा। वेस्टइंडीज़ के साबिक कप्तान डेरन समी ने अपने ट्वीट में कहा कि पाकिस्तान और न्यूज़ीलैंड के दरमियान सीरीज खत्म होने पर मायूसी हुई, गुज़िश्ता 6 सालों में पाकिस्तान में खेलना मेरी ज़िंदगी के बेहतरीन तजुर्बात में से एक है, पाकिस्तान में खुद को हमेशा महफूज तसव्वुर किया है। कौमी टीम के कप्तान बाबर आजम का कहना है कि सीरीज मुलतवी होने पर बेहद मायूसी हुई, ये सीरीज करोड़ों शायकीन के चेहरों पर मुस्कुराहटें लाने का बेहतरीन जरिया थी। मुझे अपनी सिक्योरिटी एजेंसियों पर भरपूर एतमाद है, वो हमारा फख्र हैं। पाकिस्तान जिंदाबाद। अमरीका की जानिब से अफगानिस्तान के असासे मुंजमद करने से मुल्क में शदीद इंसानी बहरान का ख़तरा बढ़ गया है। अफगानिस्तान में काबुल और मिर्ज़ा शरीफ समेत दीगर शहरों में लोग अपनी ज़रूरियात ज़िंदगी की अशिया फरोख्त करने पर मजबूर हैं। मुख्तलिफ शहरों की सड़कें बाजारों का मंजर पेश कर रही हैं और मजबूर और गरीब शहरी अपने बच्चों का पेट पालने और उनके लिए खुराक का इंतज़ाम करने के लिए अपना ज़रूरत का सामान भी फरोख्त करने पर मजबूर हैं। अमरीका की जानिब से अफगानिस्तान के 9.5 अरब डॉलर मुंजमद किए जाने के बाद अफगान अबूरी हुकूमत को मुआशी मसाइल का सामना है। बरतानवी नशरियाती इदारों के मुताबिक अफगानिस्तान के बैंकों में डॉलर्स ख़त्म हो रहे हैं। अगर बैंकों को बरवक्त फंड्स जारी ना किए गए तो बैंकों के बंद होने का खदशा है। अफगानिस्तान की नई हुकूमत को मुल्क का नज़्म व नस्क चलाने और आवाम को अशियाए ज़रूरिया की फराहमी के लिए शदीद माली मसाइल का सामना है। बैंकों की इंतज़ामिया ने भी अपनी तशवीश नई हुकूमत और मरकजी बैंक तक पहुंचा दी है। बरतानवी नशरियाती इदारे के मुताबिक पैसे की कमी से अफगानिस्तान की मईशत को मजीद नुकसान पहुंचने का खदशा है। महंगाई की सूरत हाल में रोज़ बरोज़ इजाफा हो रहा है। अफगानिस्तान की मईशत का ज़्यादातर इन्हिसार अमरीका की तरफ से काबुल में मरकजी बैंक को भेजे जाने वाले सैकड़ों मिलियन डॉलर पर था जो बैंकों के जरिए अफगान आवाम तक पहुँचते थे। अफगानिस्तान पर तालिबान के कब्जे के बाद अमेरिका की जानिब से डॉलर्स मिलने का सिलसिला मुअत्तल हो चुका है। बढ़ते हुए मसाइल और इंसानी बहरान के ख़तरे के पेश नज़र तालिबान हुकूमत और कई दीगर ममालिक ने अमेरिका से अफगानिस्तान के मुंजमद असासे बहाल करने का मुतालबा किया है। अबूरी अफगान हुकूमत की वजारत तालीम ने कल से लड़कों के स्कूल और मदरसे दोबारा खोलने का ऐलान किया है। वजारत तालीम की जानिब से जारी एक बयान में कहा गया कि तमाम स्कूलों और रजिस्टर्ड मदरसों के तालिब इल्मों और उनके असातिज़ा अपने तालीमी इदारों में हाजिरी को यकीनी बनाएँ। यूनान में जनूबी यूरोपी ममालिक का सरबराह इजलास आज हो रहा है। इजलास में मौसमियाती तब्दीली और सिक्योरिटी चैलेंजेस पर खसूसी तवज्जो दी जाएगी। अफगानिस्तान की मौजूदा सूरत हाल और हिजरत जैसे मौजूद भी इजलास में शामिल हैं। अफगान अबूरी हुकूमत ने चमन बॉर्डर पर पाकिस्तान के साथ ट्रांजिट ट्रेड के सिलसिले में तजारती टैक्सों में कमी कर दी है। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाते हुए आपको बताएं कि अक़वामे मुत्तहिदा के इदारा बराए महाजरीन के सरबराह फिलिपो ग्रैंडी ने कहा है कि मौजूदा हालात इस बात के मुतकाजी हैं कि अफगानिस्तान को तनहा ना छोड़ा जाए। इस्लामाबाद में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि अफगानिस्तान में सूरत हाल बहुत मुश्किल है। 35 लाख अफराद बेघर हो चुके हैं जिनमें 5 लाख ने हाल ही में अपने घरों को छोड़ा है। फिलिपो ग्रैंडी ने कहा कि अफगान अवाम को कोरोना से ज़्यादा बुनियादी ज़रूरियात पूरा करने की फिक्र है। तालिबान भी चाहते हैं कि अफगानिस्तान में इंसानी इमदाद का अमल तेज़ हो। उन्होंने कहा कि मुल्क में खुराक अद्वियात और बेघर अफराद के लिए छत की ज़रूरत है।
Taliban expressed the wish that humanitarian assistance be rolled out as quickly as possible to the country because indeed, and we saw it by ourselves, conditions are very difficult. Everything is needed, food, medicines, shelter, and other first necessities of life. The situation is now more secure. I expect that we will have more access and more possibility to bring help to the people in need. I really thank Pakistan for facilitating the humanitarian operations in Afghanistan. This is very, very important. वज़ीर दाखला शेख रशीद अहमद ने कहा है कि कौमी सलामती के मामले पर हम सब एक हैं, हम अफगानिस्तान में अमन के हामी हैं, हमने तमाम ममालिक को अफगानिस्तान से इनखला में मदद की है। इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि हम नहीं चाहते कि अफगानिस्तान में कोई भूखा मरे, इसी वजह से इमरान खान ने आलमी बरादरी से किरदार अदा करने का कहा है। अफगानिस्तान में हम अमन के हामी हैं, सारे बॉर्डर जो हैं वो पीसफुल हैं, हमने तमाम दुनिया के लोगों का इवैक्यूएशन की है और हमारी फोर्सेस जो हैं दोनों बॉर्डर्स पर, चमन पर भी और तोरखम पर भी, तमाम मामलात जो हैं, बल्कि अफ़गानिस्तान जाने वाले हमारे अब तुलबा भी शामिल हैं, वापस जा रहे हैं पढ़ने के लिए, और कई ख्वातीन भी पढ़ने के लिए पाकिस्तान की वापस जा रही हैं। सो हमारे दोनों बॉर्डर जो हैं वो महफूज हैं। सदर मुमलिका डॉक्टर आरिफ अलवी ने मुतालिका इदारों को हिदायत की है कि बलोचिस्तान के दूर दराज इलाकों की ईंधन की ज़रूरियात को पूरा करने के लिए इकदाम करें। इस्लामाबाद में ऑयल मार्केटिंग कंपनीज के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स के इजलास की सदारत करते हुए उन्होंने कहा कि हुकूमत बलोचिस्तान की तरक्की और अवामी मसाइल के हल के लिए कोशां हैं। इजलास को बताया गया कि तेल की स्मगलिंग की वजह से मुल्क की मईशत को सालाना 60 अरब रुपये का नुकसान हो रहा है। इजलास में गवादर और कराची के दरमियान सफर करने वालों की सहूलत के लिए मकरान कोस्टल हाईवे पर पेट्रोल पंप कायम करने की जरूरत पर जोर दिया गया। गिलगित, स्कर्दू और स्वात में सयाहों की बढ़ती हुई तादाद और मकामी आबादी की ईंधन की जरूरियात को पूरा करने के लिए फ्यूल स्टोरेज इंफ्रास्ट्रक्चर की सहूलतें दी जाएंगी। सदर डॉक्टर आरिफ अलवी ने कहा है कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला बदउनवानी है, जिसका खात्मा अखलाकियात को फरोग देकर किया जा सकता है। इस्लामाबाद में चार्टर फाइनेंशियल एनालिस्ट की तकरीब से खिताब करते हुए सदर मुमलिकत ने कहा कि दौलत की गैर मुनसिफाना तकसीम दुनिया के लिए बड़ा चैलेंज बन चुकी है। आलमी सतह पर सुपर पावर्स अपनी मर्जी के कवानीन तश्कील देती हैं। सदर डॉक्टर आरिफ अलवी ने कहा कि हमें ब्रांड पाकिस्तान पर जोर देना होगा, इसी से मुल्क तरक्की करेगा। एक उभरती हुई तब्दीली जो मैं देख रहा हूँ वो है ब्रांड पाकिस्तान की। ब्रांड पाकिस्तान गुड्स में नहीं, गुड्स के पीछे भी इंटेग्रिटी होती है, गुड्स के पीछे भी एक प्रॉमिस होता है कि ये ऐसी चीज़ है जो मैं आपको बेच रहा हूँ, और ये इस्लामी अकदार के अंदर इसकी बड़ी अहमियत है। मेरा कोई दस्तरस और आपका नहीं है किसी दूसरे मुल्क पर, मगर मेरा और आपका दस्तरस अपने मुल्क पर है। हमारी एलीट अगर ज़िम्मेदारी के साथ ब्रांड पाकिस्तान की फ़िक्र कर ले, जो एक ब्रांड मुसलमान की है, तो दुनिया की कोई ताकत ऐसी उभरती हुई कौम को रोक नहीं सकती। सदर मुमलिका डॉक्टर आरिफ अलवी ने कहा है कि डिजिटलाइजेशन और मुआशी अमल में खवातीन की शिरकत यकीनी बनाने से मजमूई कौमी पैदावार में इजाफा होगा। ऐवान सदर में मसावी बैंकिंग पॉलिसी की तकरीब से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि खवातीन के बाइख्तियार होने से उनका इस्तेहसाल नहीं हो सकेगा। तफसील बता रही हैं हुमायत इकबाल। सदर मुमलिका आरिफ अलवी ने कहा कि खवातीन को माली तौर पर मजबूत बनाए बगैर उन्हें बाइख्तियार नहीं बनाया जा सकता। दुनिया की तारीख में इस्लाम ने पहली मरतबा खवातीन को विरासत का हक देकर उन्हें बाइख्तियार बनाया। मसावी बैंकिंग पॉलिसी की तकरीब रुनुमाई से खिताब करते हुए उन्होंने खवातीन को बाइख्तियार बनाने के हवाले से स्टेट बैंक के किरदार को सराहा और कहा कि स्टेट बैंक इस हवाले से मुख्तलिफ इकदामात कर रहा है। सदर मुमलिकत ने कहा कि खवातीन हकीकी मानों में उस वक्त बाइख्तियार होंगी जब अपने वसाइल पर उन्हें इख्तियार हो। स्टेट बैंक और दीगर बैंकों ने 2023 तक खवातीन के बैंक अकाउंट्स की तादाद में इजाफे का जो हदफ मुकर्रर किया है वो खुश आइंद है। एम्पावरमेंट तो जब होगा जब वो औरत अपना पैसा और अपनी जायदाद पर कंट्रोल कर सके। औरतों के एनजीओज, हमारे पार्लियामेंटेरियंस औरतों को गाइड करें, औरत बैंक पहुंच जाए, औरत को बैंक तक ले जाने वाले इदारे भी तो हों। औरत के इंक्लूजन से मैं समझता हूँ बड़ा सिग्निफिकेंट फ़र्क पड़ेगा मईशत के अंदर। दुनिया से आपको पता चल रहा है कि औरत इज़ अ मोर रिलायबल होल्डर ऑफ फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स,
चाहे स्मॉल एंड मीडियम बिजनेस एंटरप्राइजेस के लोन उसको दिए जाएं, शी हैज शोन कि शी इज मोर रिस्पांसिबल देन द मेन। गवर्नर स्टेट बैंक डॉक्टर रजा बाकिर ने कहा कि माली शमूलियत खवातीन का हक है और इस हक के हसूल के लिए स्टेट बैंक ने तमाम मुतलका शराकत दानों से मिलकर इकदाम को अमली शक्ल दी है। हमें उम्मीद है कि बैंक माली शमूलियत में खवातीन की शिरकत में इजाफे के लिए मसावी बैंकिंग पॉलिसी कामयाब और मौसर बनाने में अपना किरदार अदा करेंगे। हुमा इकबाल, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज, इस्लामाबाद। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी लाहौर का दौरा किया और बतौर मेहमान खसूसी यूनिवर्सिटी के कॉन्वोकेशन में शिरकत की। आर्मी चीफ ने कामयाब होने वाले ग्रेजुएट्स को डिग्रियां और मेडल्स दिए। कॉन्वोकेशन से खिताब करते हुए जनरल कमर जावेद बाजवा ने नौजवानों की तालीम और तरबियत में इदारे के असातिज़ा और इंतजामिया की काविशों को खराज तहसीन पेश किया। उन्होंने कहा कि गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी ने हमेशा बैन अलाक़वामी शोहरत के हामिल शख्सियात तैयार करने में कलीदी किरदार अदा किया है। आर्मी चीफ ने नौजवानों पर जोर दिया कि वो हमेशा अपना मकसद बुलंद रखें और कायद के विजन के मुताबिक मेहनत करें। जनरल कमर जावेद बाजवा ने पाकिस्तान के रोशन मुस्तकबिल की उम्मीद का इजहार करते हुए कहा कि हम एक बहादुर कौम हैं और नौजवान हमारा असल असासा है। उन्होंने कहा कि तमाम मुश्किलात के खिलाफ बड़ी कुर्बानियों के साथ हमने अमन और तरक्की की मजबूत बुनियाद रखी है। अब हमारे नौजवानों को पाकिस्तान की नई बुलंदियों पर ले जाने के लिए अहम किरदार अदा करना होगा। मकबूजा कश्मीर में भारतीय इंतजामिया की जानिब से इंसानी हकूक की संगीन खिलाफ वर्जियां जारी हैं। काबिज इंतजामिया ने एक नया हुक्मनामा जारी किया है जिसके मुताबिक अगर किसी भी सरकारी मुलाजिम, उसके रिश्तेदार या वाकिफकार बिलवास्ता या बिलावास्ता तौर पर जदोजहद आज़ादी में मसरूफ पाए गए तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। काबिज इंतजामिया ने आज भी श्रीनगर में तारीखी जामिया मस्जिद, दरगाह दस्तगीर साहब, दरगाह हजरत बल और जामिया मस्जिद हैदरपुरा में नमाज जुमा अदा करने की इजाज़त नहीं दी। कश्मीरियों को हैदरपुरा में बुजुर्ग हुर्रियत रहनुमा सैयद अली गिलानी की कब्र पर फातिहा खानी की इजाज़त भी नहीं दी गई। कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के नायब चेयरमैन गुलाब अहमद गुलजार ने आलमी बिरादरी पर जोर दिया है कि मकबूजा इलाके की संगीन सूरत हाल का इदराक करते हुए फिस्ताई भारतीय हुकूमत के मजालिम का नोटिस ले और कश्मीरियों से किए गए वादे पूरे करे। श्रीनगर से जारी किए गए एक बयान में उन्होंने कहा है कि इंसानी हकूक की आलमी तंजीमें कश्मीरियों पर भारतीय मजालिम रुकवाने के लिए अपनी जिम्मेदारियाँ पूरी करें। हुर्रियत रहनुमा जावेद अहमद मीर ने श्रीनगर में ताज़ियती इजलास से खिताब करते हुए कहा कि मसला कश्मीर जनूबी एशिया में फ्लैश पॉइंट बन चुका है। खित्ते के अमन के लिए इस देरीना तनाज़े का मुनसिफाना हल नागुजीर है। बरतानिया, डेनमार्क, नॉर्वे, इटली और जर्मनी में तहरीक कश्मीर बरतानिया की अपील पर ताज़ियती प्रोग्राम मुनाक़िद किए गए जिनमें बुजुर्ग हुर्रियत रहनुमा सैयद अली गिलानी की भरपूर जदोजहद आज़ादी को शानदार अल्फाज में खराज अकीदत पेश किया गया। शुरका ने आज़ादी कश्मीर के लिए सैयद अली गिलानी की ग्रां कदर खिदमात को सराहा। भारत में जराइम से मुतालिक एक सरकारी रिपोर्ट में इंकशाफ किया गया है कि 2020 में दलितों और निचली जातों से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद के खिलाफ मजालिम में इजाफा हुआ है और गुज़िश्ता साल 50,000 से जायद वाक़यात सामने आए हैं। नाज़रीन, मकबूजा कश्मीर में काबिज़ भारतीय इंतजामिया गुज़श्ता कई दहाइयों से काले कवानीन के नफाज से कश्मीरियों की आवाज़ दबाने की नाकाम कोशिशों में मसरूफ है। तफसील बताएंगी निमरा सुहेल। मकबूजा जम्मू और कश्मीर में जारी जुल्म और तशद्दुद और कत्लेआम पर मुश्तमिल हालिया डोजियर भारत की फस्ताइयत को बेनकाब करने का हिस्सा है जिसने कश्मीरियों की जिंदगी अजीरन कर रखी है। मगर 9,00,000 फौज के बावजूद और मकबूजा कश्मीर को दुनिया की सबसे बड़ी जेल बनाकर भी भारत आज़ादी के लिए सरगर्म कश्मीरियों की जद्दोजहद आज़ादी को खत्म नहीं कर सका। भारत के गैर कानूनी तौर पर कब्जे के शिकार मकबूजा जम्मू और कश्मीर में इस वक्त तारीख का तवील तरीन लॉकडाउन जारी है और भारत काले कवानीन समेत कश्मीरी आवाम की आवाज़ को दबाने के लिए तमाम तर हरबे आजमा रहा है। पाकिस्तान ने आलमी बरादरी और बैन अलाक़वामी इदारों पर भारतीय साजिशें वाज़े करने के लिए जो डोजियर जारी किया इसमें बताया गया है कि भारत मकबूजा जम्मू और कश्मीर में मुख्तलिफ काले कवानीन के जरिए कश्मीरी आवाम की आवाज़ को मुसलसल दबाने की नाकाम कोशिश कर रहा है। 40 बंदे जो कुटाई हुई है तो अब डर तो पैदा होगा। अभी तक तो इनको इन्होंने देखा नहीं था, फौज क्या कर सकती। हाँ, तो अभी फौज में क्या कर सकता है, फौज का
ताकत देख ले। पब्लिक सेफ्टी एक्ट के जरिए किसी भी जुर्म के बगैर 2 साल की कैद के कानून से गुज़श्ता 30 साल में हजारों अफराद को मकबूजा वादी में भारतीय रियासती दहशतगर्दी का निशाना बनाया गया। एक और काले कानून टाडा को इस्तेमाल करते हुए भारत किसी भी जुर्म के बगैर 199 दिन तक मकबूजा जम्मू और कश्मीर के आवाम को कैद कर सकता है। डोजियर में बताया गया है कि मकबूजा जम्मू और कश्मीर में भारत का नाफिज किया हुआ आर्म्ड फोर्सेज स्पेशल पावर एक्ट काबिज भारतीय अफवाज इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जियाँ करने के लाइसेंस के तौर पर इस्तेमाल करती है। और ज्यादा करेंगे हम लोग जाके अपना प्रेजेंस दिखाएंगे एंड दे विल ओनली किल। डोजियर में जम्मू कश्मीर डिस्टर्ब्ड एरियाज एक्ट, प्रोविजन ऑफ टेररिज्म एक्ट और गैर कानूनी एक्टिविटी तरमीमी एक्ट 2019 आलमी कवानीन और शहरी और सियासी हकूक के बैन अक्वामी मुआहिदों की बदतरीन खिलाफ वर्जी है। पाकिस्तान दुनिया पर बारहा ये वाजे कर चुका है कि मकबूजा जम्मू कश्मीर में भारतीय फोर्सेज की सफाकियत से इंसानियत भी शर्मा जाती है। वादी में इंसानी बुहरान बदतरीन शक्ल इख्तियार कर चुका है और अब एक बार फिर सिफारतकारी के जरिए पाकिस्तान ने भारत का ज़ालिमाना और दहशतगर्दाना चेहरा दुनिया के सामने रखा है। अब ये फैसला अक्वामे आलम को करना है कि कश्मीरी आवाम को जब्र, तसल्लुत और जुल्म और साजिश से कैसे बचाना है। नमरा सुहेल, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। कौमी असम्बली ने मुतफ़िका करारदाद के जरिए बुजुर्ग हुर्रियत रहनुमा सैयद अली गिलानी को खराज अकीदत पेश किया है। स्पीकर असद कैसर की सदारत में होने वाले इजलास में वजीर मुमलिकत अली मोहम्मद खान ने करारदाद पेश की। करारदाद में कश्मीरियों की जद्दोजहद आज़ादी को खराज अकीदत पेश करते हुए कहा गया कि मरहूम तहरीक आज़ादी कश्मीर के रूह रवान थे। उन्होंने अपनी सारी जिंदगी आज़ादी के लिए वक्फ कर रखी थी। सैयद अली गिलानी ने अपनी पूरी जिंदगी मकबूजा कश्मीर के मजलूम आवाम के लिए जद्दोजहद में गुजारी और भारतीय मजालिम का मुकाबला किया। करारदाद में भारत की जानिब से सैयद अली गिलानी का जस्ते खाकी लवाहिकीन से जबरदस्ती छीनने और तदफीन में रुकावटें डालने की शदीद मजम्मत की गई। करारदाद में कहा गया कि सैयद अली गिलानी का ये नारा हम पाकिस्तानी हैं और पाकिस्तान हमारा है जद्दोजहद आज़ादी का नारा बन गया है। आलमी बरादरी भारत को ऊंचे हथकंडों का नोटिस लेते हुए कश्मीरियों को हक खुद इरादियत दिलाने में अपना किरदार अदा करे। कौमी असम्बली के इजलास में हुर्रियत रहनुमा सैयद अली गिलानी, सरदार अताउल्ला मेंगल और साबिक MNA मौलाना गुलाम सादिक और साबिक सेनेटर M हमजा के इसाले सवाब के लिए फातिहा खानी की गई। कोरम पूरा न होने पर ऐवान का इजलास पीर की शाम 5 बजे तक मुलतवी कर दिया गया। वज़ीर आला बलोचिस्तान के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद 21 सितंबर को सूबाई असम्बली में पेश होगी। वज़ीर आला जाम कमाल खान ने अपने मुस्ताफ़ी होने से मुतालिक खबरों को बेबुनियाद करार दिया है। हुकूमती और अपोजिशन अरकान की जानिब से कामयाबी के दावे किए जा रहे हैं। क्वेटा से वक़ार अहमद की रिपोर्ट। वज़ीर आला बलोचिस्तान जाम कमाल के खिलाफ अपोजिशन के 16 अरकान की तरफ से तहरीक अदम एतमाद पेश करवाने के बाद सियासी राबतों और जोड़ तोड़ का सिलसिला शुरू हो गया है। हुकूमती बेंचेस का दावा है कि अपोजिशन को 23 अरकान के साथ तहरीक में नाकामी का सामना करना पड़ेगा। कुल स्ट्रेंथ जो मौजूद है अपोजिशन वो है 24। हमारे साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अराकीन रोज अवल इत्यादि हैं, हमारे सपोर्ट में है जमहूरी वतन पार्टी है, हमारे साथ हज़ारा डेमोक्रेटिक पार्टी है और अवामी नेशनल पार्टी, जमहूरी वतन पार्टी, ये सारे साथी गवर्नमेंट के साथ हैं और वज़ीर आला साहब इंशाल्लाह अपना जो मुद्दत है पूरा करेंगे। जमहूरी हक है, ये हुकूमतों में इस तरह के मसले मसाइल आते रहते हैं, हम इंटैक्ट हैं तो इंशाल्लाह ताला इनको शिकस्त होगी। अपोजिशन को कामयाबी के लिए हाउस में 10 अरकान की हिमायत दरकार होगी। हमारी ये जो मूव है नो कॉन्फिडेंस की वो यकीनन कामयाबी होगी। तहरीक अदम एतमाद पेश किए जाने के बाद असेंबली के मेंबरान का किरदार इंतहाई अहम होगा। अब देखना है कि 65 रुकनी ईवान में जीत किसकी होगी। वक़ार अहमद, PTV न्यूज़, क्वेटा। तवानाई के बारे में काबीना कमेटी का इजलास वजीर मनसूबाबंदी असद उमर की सदारत में इस्लामाबाद में हुआ, जिसमें मौसम सरमा के दौरान के इलेक्ट्रिक और डिस्कोस के घरेलू और तजारती सार्फिन के लिए खसूसी पैकेज की मंजूरी दी गई। पैकेज का इतलाक 1 नवंबर से 28 फरवरी तक होगा। कमेटी ने रवा माली साल के दौरान मौसम सरमा में घरेलू सार्फिन के लिए गैस टैरिफ स्लैब पर नज़रसानी करने पर भी गौर किया। वफाकी वजीर शिबली फराज की सरबराही में ज़ैली कमेटी तश्कील दी गई, जो सार्फिन के माहाना अखराजात और मुल्की तवानाई के दरामदी अखराजात में कमी लाने के मामले का जायजा लेकर 30 दिन में रिपोर्ट पेश करेगी।
वफाकी वज़ीर मनसूबा बंदी असद उमर ने कहा है कि इक्तसादी राहदारी के तहत मनसूबों पर तेज़ी से काम जारी है। सिर्फ तवानाई के शोबे में 5,864 मेगावाट के मनसूबे मुकम्मल किए गए हैं। इस बारे में तफसील से आगाह करेंगे राहील अंसार। इस्लामाबाद में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस करते हुए वफाकी वज़ीर मनसूबा बंदी असद उमर ने कहा कि सी पैक मनसूबों में इजाफा करके सड़कों के साथ सनत मार्केटिंग और तजारत समेत साइंस एंड टेक्नोलॉजी के शोबों को शामिल किया गया है। की माने में मगरबी राहदारी बनानी ही शुरू की है तरीके इंसाफ की हुकूमत के अंदर। दो नए जॉइंट वर्किंग ग्रुप पिछले साल बनाए गए जी, एक ज़रात का और एक साइंस एंड टेक्नोलॉजी का। इसके अंदर हम 8 मुख्तलिफ चीज़ें हैं, 8 मुख्तलिफ इनिशिएटिव हैं ज़रात के, जिनके ऊपर काम होने के लिए जा रहा है और जिसमें उसूली मंजूरी दोनों साइड से हो चुकी है। चीन और पाकिस्तान दोनों इस बात पे इत्तफाक कर चुके हैं। एक सवाल के जवाब में असद उमर का कहना था कि सी पैक मंसूबा दुनिया भर की ताकतों को खटकता है, जिसके बायस सिक्योरिटी थ्रेट पहले से ज्यादा है। हुकूमत की कारकर्दगी के ऊपर तनकीद करना न सिर्फ अपोजिशन का हक है बल्कि उसकी जिम्मेदारी है और यही जमहूरियत का हिस्सा है। सी पैक के मामलों के अंदर थोड़ी मोहतात होकर बात करें, उसके बारे में जब आप बात करते हैं तो वो सिर्फ पाकिस्तान के अंदर नहीं सुनी जाती, वो चीन के अंदर भी सुनी जाती है और वो बाकी दुनिया के अंदर भी सुनी जाती है। उन्होंने कहा कि चीन के साथ सिक्योरिटी के इंतजाम शेयर किए गए हैं। राहील अंसार, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज, इस्लामाबाद। इत्तलात और नशरियात के वज़ीर मुमलिकत फारूक हमीद ने कहा है कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों पर वावेला करने वालों के अदवार में टैक्सेस की शराह 52% तक रही। अपने ट्वीट में उन्होंने कहा कि एक साल के दौरान पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में आलमी सतह पर 80% तक इजाफा हुआ। हुकूमत ने टैक्सेस की शराह में बतदरीज कमी की। वज़ीर मुमलिकत ने कहा कि पाकिस्तानी करेंसी के मुताबिक इस वक्त भारत में पेट्रोल की कीमत 245, बांग्लादेश में 175.33, सऊदी अरब में 104.20 और मुत्तहिदा अरब अमारात में 111.42 है। उन्होंने कहा कि चीन में पेट्रोल 194 रुपये, श्रीलंका में 154 रुपये, आजरबैजान 98.65 और हांगकॉन्ग में 425.25 पे लीटर है। पाकिस्तान अब भी दुनिया के बहुत से ममालिक की नस्बत पेट्रोल सस्ता है। खैबर पख्तूनख्वा में इंसदाद पोलियो मुहिम शुरू हो गई। मुल्क के दूसरे हिस्सों में 20 सितंबर से इस मुहिम का आगाज होगा। मुल्क भर में 4 करोड़ से ज़ायद बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे पिलाने का हदफ मुकर्रर किया गया है। मुआवन खसूसी सेहत डॉक्टर फैसल सुल्तान ने इस्लामाबाद में इंसदाद पोलियो मुहिम का इफ्तिताह किया। इस मौके पर खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि 7 माह में पोलियो का कोई केस रिपोर्ट नहीं हुआ, मुल्क को पोलियो से पाक करने के लिए इकदाम जारी हैं। मौवन खसूसी ने वालिदैन और तमाम मकतबाई फिक्र से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद से अपील की कि इंसदाद पोलियो मुहिम की कामयाबी में अपना भरपूर किरदार अदा करें। कुछ बात करेंगे कोरोना सूरत हाल की। मुल्क भर में कोरोना वायरस से मजीद 68 अफराद जान की बाजी हार गए हैं। गुज़िश्ता 24 घंटे के दौरान मुल्क भर में 57,626 टेस्ट किए गए, जिनमें से 2,928 अफराद में कोरोना वायरस की तस्दीक हुई। उस वक्त केसेस की शरह 5.08% रही। NCOC के आदाद शुमार के मुताबिक 4,960 मरीजों की हालत तशवीशनाक है। मुल्क में कोरोना वबा से बचाव के लिए वैक्सीनेशन का अमल अब भी जारी है। अब तक 7 करोड़ से ज्यादा अफराद की वैक्सीनेशन की जा चुकी है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं कासिम अली। नाज़रीन, आपको आगाह करें कि कराची में गर्मी की शदीद लहर जारी है। महकमा मौसमियात का कहना है कि आज ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 38 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया, जबकि हवा में नमी का तनासुब 60% रहा। महकमा मौसमियात के मुताबिक समंदरी हवाओं के मामूल पर न आने के सबब गर्मी की शिद्दत ज़्यादा महसूस की जा रही है। तहम कल से मौसम मामूल पर आना शुरू हो जाएगा और इतवार तक समंदरी हवाएँ मामूल के मुताबिक चलेंगी, जिससे गर्मी की शिद्दत में कमी वाक़ होगी। महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटे के दौरान मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम गर्म और खुश्क रहेगा। तहम जुनूब मशरकी सिंध, शिमाल मशरकी पंजाब और कश्मीर में चंद मकामात पर गरज चमक और तेज़ हवाओं के साथ बारिश का इम्कान है।